नाउ विद द पेसिज ऑफ टाइम जैसे जैसे रिसर्च ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर जैसे जैसे फाइनेंस की रिसर्च एक्सटेंसिव होती गई है कॉम्प्लिकेटेड होती गई है कॉम्प्लेक्स होती जा रही है एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो कैपिटल प्राइसिंग मॉडल है वो बहुत सादा सा है सिंपल है और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में टेक प्लेस कर रही होती हैं हैपन हो रही होती हैं उन सारी चीज़ों को वो अकाउंट फॉर नहीं करता लिहाजा उन्होंने कहा कि ऑल्दो दिस कैन कैपम कैन बी यूज एज एज अ सिंपल मॉडल टू असेस द ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हम अगर सिंपल लेवल के ऊपर अगर हम असेस करना चाहें तो उसके लिए तो हम कैपेम इस्तेमाल कर सकते हैं बट देर टू बी सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ताकि जो एडवांसमेंट्स हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको ये काउंट फॉर नहीं कर पा सक रहा इसलिए इसके अंदर हमें कोई और फैक्टर्स को कोई और वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए सो so, उसके लिए पीपल केम अप विद डिफरेंट न्यू मॉडल्स जिसमें उन्होंने सोचा कि जो मार्केट के इम हैं कि मार्केट जो है वो परफेक्टली ऑपरेट नहीं करती वहाँ इम्परफेक्शन होती हैं शॉक्स आ जाती हैं रेगुलेटर का रोल आ जाता है फिर देर कोड बी अ नंबर ऑफ स्टेक होल्डर जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट से या अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई सर्टन स्ट्रैटीज करते हैं तो उन इम को अकाउंट फॉर करने के लिए देर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड वर्जनज ऑफ कैपेम जो कि मार्केट के इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को अकाउंट फॉर करके ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सके तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे के मॉडल्स जो के बाद में सबसीक्वेंटली डेवलप हुए हैं जो के ज़्यादा रियलिस्टिक uh, समझे जाते हैं या दे टेक इनटू अकाउंट मोर कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स इनटू देम एंड देन असेस द दैट इंफॉर्मेशन जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके लेके आती है असेस करती है उसी सिलसिले में इट इज इम्पोर्टेंट टू टू नो दैट देर आर टू मोर मॉडलिंग that आर uh, frequently used इन द रिसर्च ऑन कैपिटल मार्केट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो और नए बहुत सारे नए मॉडल्स हैं लेकिन उनमें से दो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि CAPM के एडवास्ड वर्जन समझे जाते हैं उनमें एक मॉडल है मल्टीफैक्टर इंटरटेम्पोरल कैपिटल एसेड प्राइसिंग मॉडल जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि मल्टीफैक्टर है इसका मतलब है कि ये इंटर टेम्पोरल जो फर्क होती है उसको असेस करती है और इसमें सिर्फ आप फ्री रिटर्न को और मार्केट के ओवरऑल इंडेक्स को नहीं ले रहे जैसे कैपम में हम लेते हैं इसमें देर आर आर देर आर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड द मॉडल इज नोन एज आई कैपम और

प्राइसिंग थेरी में या एपीटी के अंदर हम ओवरऑल जो मार्केट में मैक्रो लेवल के ऊपर जो चीज़ें हैपन हो रही होती हैं हम उन फैक्टर्स को भी अकाउंट फॉर करते हैं अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक फंड को कैलकुलेट करने की